हेलो नमस्कार भाई, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे और अपने घर पर बहुत बेहतरीन ढंग से रहेंगे। आज हम सेट नंबर 5 लाए हैं, ये आपकी लगातार 8वां सेट होंगी। ठीक है, नंबर 5 है लेकिन सेट ऑफर क्या होगा, 8वां होगा। ठीक है भाई, आप समान अध्ययन SSC CGL टायर 1 का क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। 25 क्वेश्चन आज होंगे, तो आप उम्मीद करते हैं कि लगभग आप सभी क्वेश्चन को आप जान रहे होंगे। अगर नहीं जानते होंगे तो आप अभी जान लेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पूंजीगत लाभ का संबंध किस समान से है? पूंजीगत लाभ का संबंध किस समान से है? तो मेरे भाई सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन एक है जो पूंजी को और बढ़ाने के साधन होते हैं, ऑप्शन टू है जो सामान के और अधिक उत्पादन में सहायक होते हैं, ऑप्शन थ्री है जो मनुष्य की मांगों को प्रत्यक्ष रूप से पूर्ति करते हैं, ऑप्शन फोर है जो विविध प्रयोग को खोजते हैं। इसमें से कौन सा उत्तर इसका सही हो जाएगा? तो मेरे भाई पूंजीगत लाभ का संबंध किससे है? तो जो सामान के और अधिक उत्पादन में सहायक होते हैं उससे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो जाएगा मेरे भाई, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर टू पे चलते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को बड़ा कर लेते हैं, क्वेश्चन बड़ा नहीं किए भूलिए। चलिए अब क्वेश्चन बड़ा हो चुका है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्यों को कैसे बर्खास्त कर सकते हैं? यानी कि ऑप्शन है, पॉलिटी है, क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्यों को कैसे बर्खास्त कर सकते हैं। ऑप्शन एक है लोकसभा अध्यक्ष की सहमति से, आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री की सिफारिश पर अपने स्वविवेक से। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्यों को प्रधानमंत्री के सिफारिश पर क्या कर सकते हैं, बर्खास्त कर सकते हैं। यानी कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थ्री। चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कह रहा है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्या है? तो मेरे भाई पहला ऑप्शन है क्वासी जुडिशियल बॉडी, दूसरा ऑप्शन है रेगुलेटरी बॉडी, तीसरा ऑप्शन है सलाहकार बॉडी, चौथा ऑप्शन संवैधानिक बॉडी। यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्या है, रेगुलेटरी बॉडी है। मेरा सही उत्तर क्या हो जाएगा, रेगुलेटरी बॉडी। क्या हो जाएगा मेरा सही उत्तर, रेगुलेटरी बॉडी। आप साथ साथ याद करते चलेंगे। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो मेरे भाई विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर एक चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा है कनिष्क, तीसरा धर्मपाल, चौथा है पुलकेशिन द्वितीय। कौन सा इसका उत्तर सही हो जाएगा मेरे भाई, जल्दी से सोच के बताइए। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, धर्मपाल। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, क्या हो जाएगा, धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, धर्मपाल जी थे। कौन थे भाई, धर्मपाल। समाज वानिकी में प्रयुक्त सर्वसामान्य वृक्ष प्रजाति क्या है? समाज वानिकी में प्रयुक्त सर्वसामान्य वृक्ष प्रजाति क्या है? तो मेरे भाई समाज वानिकी में प्रयुक्त सर्वसामान्य वृक्ष प्रजाति यूकेलिप्स है। क्या है भाई, यूकेलिप्स है। क्या है, यूकेलिप्स। क्या है, यूकेलिप्स है। यानी कि ऑप्शन नंबर थ्री क्या हो जाएगा, यूकेलिप्स। क्या हो जाएगा, यूकेलिप्स। इसको क्या कहते हैं, गंध सफेदा भी कहते हैं इंग्लिश हिंदी में। क्या कहते हैं भाई, गंध सफेदा, यूकेलिप्स को। क्वेश्चन नंबर सिक्स पे चलते हैं हम लोग अब, क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कह रहा है? वातावरण में सबसे क्रियाशील पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? वातावरण में सबसे क्रियाशील पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो मेरे भाई वातावरण में सबसे क्रियाशील पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? ऑप्शन एक है रेगिस्तान, दूसरा है खुला समुद्र, तीसरा है खारी, चौथा है टुंड्रा। यानी कि इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, खारी हो जाएगा। वातावरण में सबसे क्रियाशील पारिस्थितिकी तंत्र क्या है भाई, खारी है। क्या है, खारी। ऑप्शन नंबर थ्री मेरा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन पे चलते हैं, किसी वृत्ताकार वक्र मार्ग पर घूमने वाली कार किस प्रकार का बल, कार पर किस प्रकार का बल काम करता है? ऑप्शन एक है आपका अपकेंद्रीय बल, ऑप्शन टू है ससंजक बल, ऑप्शन तीन है अभिकेंद्रीय बल, ऑप्शन चार है गुरुत्वाकर्षण बल। यानी क्वेश्चन नंबर सात का कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? तो मेरे भाई इसका कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए भाई, जल्दी से बताइए कौन सा उत्तर इसका सही हो जाएगा। 10 सेकंड के आपके पास टाइम है। तो मेरे भाई किसी वृत्ताकार वक्र मार्ग पर घूमने वाली कार
पर कौन सा बल कार्य करता है? अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है। कौन सा बल? अभिकेंद्रीय बल। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं साथ साथ हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? ध्वनि तरंगों के गूंज के लिए कौन सा जिम्मेदार होता है? ध्वनि तरंगों के गूंज के लिए कौन जिम्मेदार है? जल्दी से बताइए, ध्वनि तरंगों के गूंज के लिए कौन जिम्मेदार है? जल्दी से बताइए। ऑप्शन 1 है प्रावर्तन, ऑप्शन 2 है अपवर्तन, ऑप्शन 3 है व्यतिकरण, ऑप्शन 4 है ध्रुवीकरण। तो जल्दी से बताइए, ध्वनि तरंगों के गूंज के लिए कौन सा जिम्मेदार है? तो प्रावर्तन जिम्मेदार है। कौन सा जिम्मेदार है भाई? प्रावर्तन। क्या कौन सा भाई? उत्तर सही है प्रावर्तन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। निम्नलिखित यंत्रों की सूची में डाटा लिंक लेयर में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? डाटा लिंक लेयर में किसका प्रयोग किया जाता है? जल्दी से बताइए मेरे भाई, डाटा लिंक लेयर में किसका प्रयोग किया जाता है? जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन 1 है रिपीटर, ऑप्शन 2 है राउटर, ऑप्शन 3 है एप्लीकेशन गेटवे, ऑप्शन 4 है ब्रिज। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4, यानी कि डाटा लिंक लेयर में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ब्रिज का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है भाई? ब्रिज का। किसका उपयोग किया जाता है? ब्रिज का उपयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस धातु में अधिकतम ताप चालकता होती है? निम्नलिखित में किस धातु में अधिकतम ताप चालकता होती है? ऑप्शन 1 लोहा, दूसरा ऑप्शन एल्यूमिनियम, तीसरा ऑप्शन चांदी, चौथा ऑप्शन तांबा। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चांदी। यानी कि चांदी में क्या होता है? अधिकतम ताप चालकता होती है। उम्मीद करते हैं आप 10 क्वेश्चन बहुत बेहतरीन ढंग से याद किए होंगे। अगर याद नहीं किए होंगे तो आप याद करते चलिए साथ साथ, ठीक है भाई? क्योंकि आपको क्या करना है, एग्जाम निकालना है, तो साथ साथ क्या करना होगा, याद करना होगा। हम पूरा का पूरा कराने वाले हैं आपको 3500 क्वेश्चन जीएस का सिर्फ, ठीक है? मेघदूत के लेखक कौन है? मेघदूत के लेखक कौन है? मेघदूत के लेखक कौन है? सही से जल्दी से बताइएगा भाई, मेघदूत के लेखक कौन है? तो मेरे भाई मेघदूत के लेखक कौन है? तो कालिदास है। कौन सा इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई? कालिदास। मेघदूत के लेखक कौन है? कालिदास है। कौन है? कालिदास है। कौन है भाई? कालिदास। इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या उत्तर जाएगा? सही, कालिदास। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के निपटान का सर्वोत्तम तरीका क्या है? ऑप्शन 1 है जलाना, ऑप्शन 2 है ढेर लगाना, ऑप्शन 3 है दफनाना, ऑप्शन 4 है पुनर्चक्रण। कौन सा इसका उत्तर सही हो जाएगा? जल्दी से देने का प्रयास करेंगे। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के निपटान का सर्वोत्तम तरीका क्या है? तो मेरे भाई इसका सही उत्तर जल्दी से बताइए। सही उत्तर, वाले को 2 रुपया का पेन दिया जाएगा। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो मेरे भाई इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के निपटान के लिए पुनर्चक्रण क्या है? सबसे सर्वोत्तम तरीका है। क्या है भाई? पुनर्चक्रण। क्या होता है पुनर्चक्रण? प्लास्टिक को क्या कर सकते हैं? पुनर्चक्रण के द्वारा यूज लाया जा सकता है। अगले बार शारदा अधिनियम का संबंध किससे है? शारदा अधिनियम का संबंध किससे है? ऑप्शन 1 है अनुसूचित जनजातियों का उत्थान, ऑप्शन 2 है अल्पसंख्यकों का उत्थान, ऑप्शन 3 है बाल विवाह, ऑप्शन 4 है महिलाओं का सशक्तिकरण। तो शारदा अधिनियम का संबंध बाल विवाह से है। किससे मेरे भाई? बाल विवाह से। किससे? बाल विवाह। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। पानीपत की लड़ाई में बाबर ने किसकी सेना का सामना किया था? पानीपत की लड़ाई में बाबर ने किसकी सेना का सामना किया था? ऑप्शन 1 जयचंद, ऑप्शन 2 हेमू, ऑप्शन 3 दौलत खान, ऑप्शन 4 इब्राहिम लोदी। कौन सा सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई इसका? जल्दी से बताइए, पानीपत की लड़ाई में बाबर ने किसकी सेना को पराजित किया था? तो मेरे भाई बाबर ने इब्राहिम लोदी की सेना को क्या किया था? का सामना किया था, सॉरी पराजित नहीं किया था, सामना किया था। इब्राहिम लोदी की सेना का क्या किया था? सामना किया था बाबर ने पानीपत के युद्ध में, ठीक है। स्मार्ट मनी शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? स्मार्ट मनी शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? जल्दी से इसका उत्तर बताएंगे भाई। स्मार्ट मनी शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? ऑप्शन 1 है क्रेडिट कार्ड, ऑप्शन 2 है इंटरनेट बैंकिंग, ऑप्शन 3 है डेबिट कार्ड, ऑप्शन 4 है कैश विवाद पब्लिक। तो मेरे भाई स्मार्ट मनी शब्द क्रेडिट कार्ड के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए प्रयोग किया जाता है? क्रेडिट कार्ड। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्रेडिट कार्ड। क्या हो जाएगा सही उत्तर? क्रेडिट कार्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 पे चलेंगे, आप पढ़ेंगे 16 को ध्यान से और इसको उत्तर देने का प्रयास करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर लग चुकी है, आप इसको पढ़िए और आंसर दीजिए।
मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी को संयुक्त रूप से किस प्रकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी को संयुक्त रूप से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो मेरे भाई, मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी को शांति का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से प्रदान किया गया था। ऑप्शन नंबर टू इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर टू इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई? सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। क्या कह रहा है? एक टेस्ट ट्यूब में अमोनिया क्लोराइड के साथ सोडियम हाइड्रोक्लोराइड को गर्म करना किसका उदाहरण है? एक टेस्ट ट्यूब में अमोनिया क्लोराइड के साथ सोडियम हाइड्रोक्लोराइड को गर्म करना किसका उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए खुला तंत्र, ऑप्शन टू बंद तंत्र, ऑप्शन तीन समदाबी सिस्टम, ऑप्शन चार समतापी सिस्टम। कौन सा इसका सही उत्तर हो जाएगा? जल्दी से बताइए मेरे भाई। अमोनिया क्लोराइड, तो इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर? खुला तंत्र हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा भाई सही उत्तर? खुला तंत्र। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? खुला तंत्र। साथ साथ याद करते चलिएगा, अगर कॉपी पेन होगा तो नोट करते चलिएगा, ठीक है? पीडीएफ प्राप्त होगा तो मेरा नंबर आप हम प्रत्येक वीडियो में बोल देते हैं, अभी भी बोल दे रहे हैं। मेरा नंबर है 8083661955, ठीक है? इस पे आप क्या कर सकते हैं? व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, जिसके जरिए आपको क्या किया जाएगा, पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएंगे, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से सक्षम ऊर्जा का स्रोत क्या है? निम्नलिखित में से सक्षम ऊर्जा का स्रोत क्या है? ऑप्शन एक है जैविक ईंधन, ऑप्शन टू है फॉसिल ईंधन, ऑप्शन तीन है न्यूक्लियर शक्ति, ऑप्शन चार है पवन ऊर्जा। कौन सा इसका सही उत्तर हो जाएगा? जल्दी से बताइए। तो मेरे भाई, पवन ऊर्जा क्या हो जाएगा भाई? सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पवन ऊर्जा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। यह सूक्ष्म ऊर्जा का स्रोत है, यानी कि पवन ऊर्जा क्या है? सूक्ष्म ऊर्जा का स्रोत है। किसका स्रोत है? सूक्ष्म ऊर्जा का स्रोत कौन सा भाई? इनमें से पवन ऊर्जा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, अंतरिक्ष यात्रा करने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन थी? अंतरिक्ष यात्रा करने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन थी? तो मेरे भाई, ये सबसे आसान क्वेश्चन है, इसको हम इसमें ऑप्शन नहीं बोलेंगे, ठीक है? ये क्या हो जाता है? कल्पना चावला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कल्पना चावला थी। यानी कि अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन थी? तो कल्पना चावला। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं? नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं? ऑप्शन एक है मनुष्य रक्त से, रुके हुए पानी से, पौधे की रस से, गोबर एवं कूड़ा कचरा से। इसका कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे, कौन सा उत्तर इसका सही हो जाएगा? नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं? जल्दी से बताइए, नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं? तो मेरे भाई, नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं? जल्दी से बोलने का प्रयास करेंगे भाई। तो नर मच्छर अपना भोजन पौधे के रस से ग्रहण करते हैं। कहाँ से ग्रहण करते हैं? पौधे के रस से। कहाँ से करते हैं भाई? पौधे के रस से। आज हमने लगा कि वो नहीं लगा पाया, क्या कहते हैं, वाटर मार्क। चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 21, भारत एवं पाकिस्तान के बीच जल विभाजक तक का काम क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है भारत एवं तुर्किस्तान, तो यहाँ भाई गलत हो गया है, क्वेश्चन ही गलत है। ये क्वेश्चन ही क्या है? गलत है छोटू, क्वेश्चन ही गलत है मेरे भाई। ये आपके दोस्त गलत हो गया है, इसके लिए सॉरी मेरे भाई। इसको हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को ही काट दे रहे हैं, ठीक है? क्वेश्चन ही क्या है, गलत हो चुका है, ठीक है? अब आ जाइए 22 नंबर क्वेश्चन पर। कोल अट्टम और छोली नृत्य शैली किस दो राज्यों से संबंधित है? कोल अट्टम और छोली नृत्य शैली किन दो राज्यों से संबंधित है? ऑप्शन एक है केरल और कर्नाटक, ऑप्शन टू है आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ऑप्शन तीन है तमिलनाडु और मध्य प्रदेश, ऑप्शन चार है कर्नाटक और बिहार। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, भारत में किस संसदीय समिति की सामान्यतः अध्यक्षता विपक्ष के प्रमुख सदस्य द्वारा किया जाता है? तो मेरे भाई, भारत में
लोक लेखा समिति है ना, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? विपक्ष के नेता होते हैं। कौन होते हैं भाई? विपक्ष के जो मेन नेता होते हैं उसे क्या होते हैं? लोक लेखा समिति के अध्यक्ष होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, विटामिन के विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में है? विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में है? तो मेरे भाई पहला ऑप्शन है एल्ब्यूमिन, दूसरा ऑप्शन है प्रतिरक्षी, चौथा ऑप्शन है ग्लोबुलिन, तो चौथा तीसरा ऑप्शन है ग्लोबुलिन, चौथा ऑप्शन है प्रोथ्रोम्बिन। तो इसका कहीं सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रोथ्रोम्बिन। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई? प्रोथ्रोम्बिन। क्या हो जाएगा? प्रोथ्रोम्बिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 हो चुका है, अब क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। लगाया तो है। राष्ट्रीय दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म दृष्टिकोण होगा? ऑप्शन एक बीएसएनएल मोबाइल फोनों के बिक्री का अध्ययन, दूसरा ऑप्शन महिलाओं में बेरोजगारी, तीसरा ऑप्शन भारत में प्रति व्यक्ति आय, चौथा ऑप्शन भारत में मुद्रास्फीति। कौन सा इसका सही उत्तर हो जाएगा? तो मेरे भाई राष्ट्रीय दृष्टिकोण में निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म दृष्टिकोण होगा? ऑप्शन नंबर एक बीएसएनएल मोबाइल फोनों की बिक्री का अध्ययन क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। एक सूक्ष्म दृष्टिकोण होगा। क्या होगा? राष्ट्रीय दृष्टिकोण से एक सूक्ष्म दृष्टिकोण होगा क्या? बीएसएनएल मोबाइल फोनों की बिक्री का अध्ययन। तो मेरे भाई आज भर के लिए इतना ही, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में जीसा लेते रहिए, खूब आगे बढ़िए। नमस्कार, जय हिंद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक क्या कीजिए? हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, डांस करते रहिए। ठीक है, चलते हैं, हम मिलते हैं फिर आपको क्या अगले वीडियो में। चलिए हम आपको सारा दिखा दे रहे हैं एकदम, यही अपना पीडीएफ होता है, हम खुद से इसको बनाते हैं। टाइम लगता है भाई, आधा घंटा लगता है, टाइम लगता है इसको टाइप करने में। ठीक है, तो टाइप रूप करके हम खुद से वीडियो बना रहे हैं, आप बढ़िया से बढ़िया तरीका से, हम आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो, इसलिए हम इस टाइप से पीडीएफ बनाते हैं कि आपको कहीं से भी कोई समस्या नहीं हो। हम कहीं से फोटो खींच करके अगर आपको वीडियो बना के अपलोड करते हैं तो उसमें आपको पिक्चर क्वालिटी में थोड़ा सा अभी समस्या होती थी, लेकिन आपको अब पिक्चर क्वालिटी में भी कोई समस्या नहीं हो रही होगी। अब पूरा आवाज़ साउंड क्वालिटी भी बेहतरीन हो रहा है, हो गया है, आपको अब पूरा बेहतरीन ढंग से सॉल्यूशन भी दिखाई देते होंगे, आपको टिक भी अच्छा से लगा हुआ दिखाई देता होगा कि आप उत्तर को शांत तरीका से जान जाते होंगे। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, डेली जुड़े हुए रहिए, लगातार जुड़े हुए रहिए, एसएससी में सिलेक्शन पक्का करवाना है तो पक्का जुड़े हुए रहिए, है कि नहीं? किसी भी एग्जाम के लिए क्या है, काफी है, आपको हम लगभग 4,000, 3,500 से 4,000 के बीच क्वेश्चन करा देंगे। ठीक है, सिर्फ जीएस का। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में जिस्सा लेते रहिए, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। चलते हैं, नमस्कार।